नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम। घनश्याम टेक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर एंड लाइक तो जरूर कीजिए दोस्तों। और अगर आपका कोई विचार हो, आपके कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए। देखिए, ये मेरी प्रोफेशनल टेक्निकल एनालिसिस ट्रेनिंग की वीडियो नंबर 4 है। हम इसका जो टॉपिक है वो है चार्ट एंड कैंडल। चार्ट और कैंडल ये कैसे बनते हैं? देखिए दोस्तों, चार्ट कई प्रकार के होते हैं, जैसे लाइन चार्ट, बार चार्ट, हेकेनासी चार्ट, पियोट एंड फिगर चार्ट और कैंडल स्टिक चार्ट। हम इसमें कैंडल स्टिक चार्ट के बारे में समझेंगे। देखिए, मैं आपको थोड़े आपको चार्ट दिखा देता हूँ। ये है लाइन चार्ट, इसे हम बार चार्ट कहते हैं। ये है हेकेनासी चार्ट और ये है हमारा कैंडल स्टिक चार्ट। अब कैंडल स्टिक चार्ट, ये कैंडल स्टिक चार्ट कैसे बने? एक कैंडल को हम कैंडल स्टिक कहते हैं, ये पूरा जब मिल जाता है तो इसको हम कैंडल स्टिक चार्ट कहते हैं दोस्तों। तो एक को हम कैंडल, अब ये कैंडल बनता कैसे है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, सर्वप्रथम इसको किसने प्रयोग किया? देखिए दोस्तों, जो कैंडल स्टिक है, कैंडल उसको सर्वप्रथम 1700 ईस्वी में जापान के किसान चावल की खरीद फरोख्त के में इस्तेमाल करते थे। चावल की प्राइस को उथल पुथल या चावल की प्राइस को अप डाउन समझने के लिए वो लोग इस्तेमाल करते थे। तो उसमें एक व्यापारी थे, उनका नाम था होमो। उन्होंने इस प्राइस के उथल पुथल को समझने के लिए कुछ दिनों तक अध्ययन किया। जब अध्ययन करने के बाद में उन्होंने देखा कि ये प्राइस अपने मनमानी से नहीं चलते हैं, इसमें चलने का एक पैटर्न बनता है। तो उस पैटर्न को उन्होंने नाम दिया कैंडल स्टिक पैटर्न। ये तो कहानी हो गई जापान के लोगों की। उसके बाद करीब 1890 के बाद में इसको डाउ जोन्स को समझने के लिए स्टीव नीसम नाम के एक सच से उन्होंने बहुत सारी किताब कैंडल स्टिक पर लिखी। और उसी समय के बाद से ये स्टॉक मार्केट में सब लोग अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, इसकी संख्याएं बढ़ती गई इस कैंडल स्टिक चार्ट को यूज करने के लिए। आज लगभग लगभग 70% ट्रेडर और इन्वेस्टर कैंडल स्टिक चार्ट का ही प्रयोग करते हैं। तो कैंडल स्टिक चार्ट को समझना दोस्तों हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना ही स्टॉक मार्केट को। अगर आपने कैंडल स्टिक चार्ट को समझ लिया तो समझ लीजिए आप स्टॉक मार्केट में 50% चीज़ों को आप समझ गए, उसकी प्राइस पैटर्न को आप समझ चुके हैं, उसकी प्राइस के उथल पुथल को आप समझ लिया है। तो सबसे पहला काम है आपका, अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप कैंडल स्टिक के बारे में जरूर जानकारी लीजिए। और उसके लिए यह वीडियो देखिए, ये सीरीज आप पूरी देखिए। अगर आप पूरी सीरीज देख लेते हैं दोस्तों तो मैं ये कहूँगा आप एक अच्छे ट्रेडर तो जरूर बन जाएंगे। अगर आपने मेरी रूल्स डिसिप्लिन को अप्लाई किया तो आप एक अच्छे ट्रेडर जरूर बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं। देखिए, हम समझते हैं कि कैंडल स्टिक के बारे में समझते हैं। अब कैंडल स्टिक बनता कहते हैं, देखिए कैंडल स्टिक तैयार होने के लिए हमें दो लोग चाहिए, एक बायर और एक सेलर। बायर और सेलर, एक तरफ बायर होते हैं एक तरफ सेलर होते हैं, दोनों लोग युद्ध करते हैं। एक समझ लीजिए कि दोनों लोग युद्ध कर रहे हैं, बायर किसी प्राइस में खरीदने को तैयार है, सेलर बेचने को तैयार है। जब रस्सा कसी दोनों में प्राइस को उथल पुथल समझने, कोई खरीदना बेचना, इन दोनों की उथल पुथल खत्म होकर शाम को एक जगह स्टॉप होगा। जब प्राइस एक जगह प्राइस कहीं पर रुक जाएगा तो उसमें से कोई एक जीतेगा। अब उसको हम आगे समझते हैं कैंडल स्टिक को पहले, उसके बाद उसकी बात करेंगे। देखिए, एक कैंडल स्टिक में चार चीजें होती हैं। एक मान लीजिए सुबह प्राइस 100 रुपीज पे ओपन हो गया, ये दिन में कहीं एक लो बनाएगा 95 का, इसने एक हाई बनाया 120 का, फिर इसने शाम को क्लोज दिया 112 पे, मान लीजिए इसने क्लोज दिया। तो ये जब चारों पैटर्न मिलते हैं तो एक कैंडल तैयार होती है। अब कैंडल स्टिक के इस भाग को, यानी ओपन और लो के भाग को, विक या शैडो कह सकते हैं। ठीक है,
और उसी तरह हाई और क्लोज के बीच जो ये डंडी वाला भाग है, ये जो डंडी है, इस डंडी वाले भाग को हम वृत्त या शैडो कहते हैं, ठीक है। और ये जो फुल है यानी क्लोज और ओपन के बीच में या ओपन और क्लोज के बीच में जो तैयार हो रहा है उसको हम बॉडी बोलते हैं। जब ये सारे पैटर्न एक साथ मिल जाते हैं तो ये एक कैंडल स्टिक तैयार हो जाती है। अब देखिए कैंडल स्टिक दो प्रकार की होती है, एक बुल कैंडल और एक बेयर कैंडल, यानी एक बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल तेजी को प्रदर्शित करता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि बायर और सेलर दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ उसमें जो बायर थे वो विजयी रहे। तो इसलिए जो ग्रीन कैंडल है वो बुलिश बुल को प्रदर्शित करता है यानी विजेता है। इसमें आज के दिन का विजेता ये ग्रीन कैंडल है, यानी आज के दिन के विजेता जो तेजी करने वाले थे ट्रेडर थे उन्होंने आज के दिन को जीत लिया, ठीक है। उसी तरह ये बेरिश कैंडल है। बेरिश कैंडल का मतलब क्या हुआ कि दोनों बायर और सेलर दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ, दोनों बीच में जो बैटल हुई उसमें जो मंदी करने वाले लोग थे वो लोग जीत गए, उन्होंने प्राइस को लाके नीचे क्लोज किया। अब देखिए इसमें फर्क क्या, जो ग्रीन कैंडल बनेगी उसमें हमेशा क्लोज से ऊपर ओपन से ऊपर क्लोज होगा तो कैंडल ग्रीन बनती है। उसी तरह बेयर कैंडल में या बुलिश बेरिश कैंडल में ओपन ऊपर होगा और क्लोज नीचे होगा। ये दोनों को अब कैंडल स्टिक, ये कैंडल स्टिक है। अब जैसे मैंने बताया इसमें बुल जीत गए यानी तेजी करने वालों ने जीत बनाई, इसमें बेयर जीत गए यानी जो बेरिस थे जो मार्केट में मंदी चाहते थे वो लोग जीत गए। तो दोस्तों हम इससे हमको ये पता चलता है कि मार्केट, देखिए अगर आप कैंडल स्टिक के समझ गए, कैंडल स्टिक के बिहेवियर को आप समझ गए तो समझ लीजिए आपने मार्केट को समझ लिया है। अब मार्केट को समझने के लिए आपको कैंडल स्टिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कैंडल स्टिक का एक भी वीडियो आप छोड़िए मत, कैंडल स्टिक को बहुत सही तरह से देखिए, क्योंकि कैंडल स्टिक को समझने के बाद आप प्राइस के मूवमेंट को समझने लगेंगे कि मार्केट कल अप जाएगा या डाउन जाएगा या साइडवेज रहेगा। उस तरह से आप कैंडल स्टिक को समझने के बाद आप चीज़ों को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट में मुझे बुल के साथ में रहना है या बेयर के साथ में रहना। एक अकेले से आपसे मार्केट नहीं चलेगा, इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आज के मार्केट में यानी आज के मार्केट में बुल ज़्यादा हावी रहेंगे या बेयर ज़्यादा हावी रहेंगे। मुझे बस इतना समझना है कि आज के मार्केट में मुझे क्या करना है, मुझे बुल के साथ में रहना है यानी तेजी करने वालों के साथ में रहना है या मंदी करने वालों को साथ में रहना है। तो अगर आपने इस तरह समझ लिया तो आपको स्टॉक मार्केट से पैसा बनेगा दोस्तों, क्योंकि आप उसी के साथ में चल रहे हैं जो ज़्यादातर विजेता की तरफ अग्रसर हो रहा है, यानी जो विजय की तरफ चल रहा है आप उसके साथ में हैं। जाहिर सी बात है उसके साथ में आप जब सब लोग मिलेंगे तब वो विजेता कहलाएगा। तो इसलिए आप को ये कैंडल स्टिक को पूरी अच्छी तरह से समझना होगा। आपने सारे रूल्स और डिसिप्लिन के वीडियो अगर मेरे नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप पीछे जाके देखिए, क्योंकि उसका इफेक्ट आपको कैंडल स्टिक में उसका इफेक्ट अप्लाई करना पड़ेगा, उससे क्या प्रभाव पड़ता है वो चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी, इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। देखिए ये साइकोलॉजी है, ये ट्रेडर की साइकोलॉजी को बताता है कि इसमें ट्रेडर को हमेशा एक बार ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेडर आया तो उसको ये पता है कि मैं जीत ही जाऊंगा, लेकिन हाँ हम प्रिडिक्शन करते हैं कि मैं जीत सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो हम एक प्रिडिक्शन करते हैं। उस प्रिडिक्शन के साथ में मुझे ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि मुझे आज बुल के साथ में रहना है या बेयर के साथ में रहना है, मुझे तेजी करने वालों के साथ में चलना है या मंदी करने वालों के साथ में चलना है, वो मुझे डिसाइड करना है। जैसे ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो को आप कंटिन्यू वॉच कीजिए, मैं पूरी सीरीज बना रहा हूँ इसलिए आप मेरे वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहिए। मैं इसमें आपको बहुत बेहतरीन इंट्राडे स्ट्रेटजी, पोजिशनल स्ट्रेटजी, निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी मैं आपको लाइव स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसपे आप लाइव काम कर सकते हैं दोस्तों। आपको बिल्कुल, मैं आपके लिए मार्केट के ऐसे द्वार खोलूंगा कि आप मार्केट से घबराहट नहीं होगी आपको। अभी तक तो आप मार्केट में बाइंग या सेलिंग करके आप अपने टर्मिनल को छोड़ने के तरफ भी अग्रसर नहीं होते थे, मैं ये पूरी सीरीज देखने के बाद में आप बायर हो या सेलर हो, आपने किस प्राइस पे लिया, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको मार्केट से डर नहीं लगेगा, 90%
ट्रेडर मार्केट में डरते हुए बाइंग या डरते हुए सेल करते हैं, तो सबसे पहले आपकी ये वीकनेस खत्म हो जाएगी। कि पूरी सीरीज देखने के बाद आपकी ये वीकनेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी कि मार्केट में आपको डर नहीं लगेगा। मैं आपको लाइव चीजें दिखाऊंगा, हर पैटर्न, जो भी स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में मैं लाइव वीडियो बनाऊंगा, लाइव वीडियो आपके सामने ट्रेड करूंगा मैं। उस ट्रेड में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो सारी चीजें मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, तो आपके कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका। अभी तक आपने कोई भी वीडियो देखी होगी लाइव ट्रेड करके आपको नहीं दिखाया, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस लाइव ट्रेड करके नहीं दिखाया होगा, तो मैं आपको लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा, बिल्कुल लाइव ट्रेड। इसलिए आप चीजों को, मेरे वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। मैं बहुत जल्दी आपको निफ्टी की एक स्ट्रेटजी बताऊंगा, उसके लिए आपको मैं कुछ चीजें दूंगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, तो ही आपको वो सीट या वो जो मैं डिस्क्रिप्शन बताऊंगा वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए। दोस्तों जिसको ज़रूरत है इस वीडियो की उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।